दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए अभिनव मनुष्य कविता के बारे में जानकारी देने के प्रयास कर रही हूँ। ये अभिनव मनुष्य एक कविता, एक बहुत सुंदर कविता है। इस कविता में हमें ऊंचे ऊंचे संदेश मिले हैं जो मानवीय मूल्य बगे हेदरे अल परोपकार, भाईचारी, स्नेह, बलिदान ये सब गुणों के बारे में वो मानवीय मूल्य बगे इस कविता में कवि ने हमें ऊंचा संदेश दिया है। बच्चों अब हम आज एक अभिनव मनुष्य इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता से जानकारी प्राप्त करने से पहले इसकी रचयिता रामदारी सिंह दिनकर जी का परिचय हम कर लेंगे। और अभिनव मनुष्य एक कविता है। इस कविता का कवि रामदारी सिंह दिनकर जी है। चलिए हम कवि परिचय कर लेंगे। अभिनव मनुष्य इस कविता का कवि रामदारी सिंह दिनकर जी। देखिए रामदारी सिंह दिनकर जी का चित्र। रामदारी सिंह दिनकर जी का परिचय अब हम कर लेंगे। कवि का नाम रामदारी सिंह दिनकर का जन्म काल 1908 में हुआ। जन्मस्थल बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। उनका जन्मस्थल बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। खापुआ 1908 में हुआ। उनका मरण काल 1974 में हुआ। की मृत्यु 1974 में हुई। प्रमुख रचनाएं हूंकार, रेणुका, रसवंती, सामदेनी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता अभिनव मनुष्य पद्य भाग कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। एक कविता अभिनव मनुष्य को कहाँ से लिया गया है? उनके रचना कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। बच्चों अब तक रामदारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थल और मरण काल, इनकी रचनाएं आदि को हम इनका परिचय प्राप्त। बच्चों अब तक हम रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय प्राप्त किया है। आगे इस पाठ का, इस कविता का आशय क्या है? कवि का आशय क्या है? किस उद्देश्य से इस कविता को लिखा है? इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता का आशय बौद्धिक क्षेत्र में मानव की प्रगति। बौद्धिक क्षेत्र विज्ञान का आश्रय वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में मानव के आधुनिक मानव की प्रगति का विश्लेषण यहाँ किया है। वो आधुनिक मानव किस तरह इस वैज्ञानिक युग में का प्रगति को पा लिया है। वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण इस कविता में किया है। और दूसरा है स्नेह, मानवीयता, भाईचारी आदि का महत्व। कवि का मुख्य उद्देश्य है केवल साधना उसकी बुद्धि पर नहीं, अपना एक मानव का साधन उसकी बुद्धि नहीं है। वो मानवीय गुण जो स्नेह की, मानवीयता, भाईचारी आदि का गुण किसमें होते हैं वही वो उत्तम
मनुष्य अंत ना हेलोदे साध्य। तीसरा मानव की सही पाचन उसकी बुद्धि या तर्क नहीं मानवीयता है। मानव का सही परिचय निजवाद मनुष्य यार पात्र यार मानवीय गुणवियो वही सच्चा मानव है। उसकी बुद्धि या तर्क से वह मानव नहीं कहा सकते। जिसमें मानवीय गुण होते हैं वही सच्चा मानव है। लेकिन आज के आधुनिक मानव ने इस वैज्ञानिक युग में प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त किया है। उन्होंने समझा है वे ये उनकी साधना है। हवा पर उन्होंने और जल पर इस तरह भूमि आकाश पाताल सभी पर उन्होंने साधना किया है। वही उनकी साधना है ऐसा समझा है। लेकिन कवि के अनुसार उनकी बुद्धि या तर्क और बुद्धि या तर्क मानव की सही परिचय नहीं है। जिसमें जो मानवीयता गुण होती है वही सच्चा मानव है। देख लीजिए वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। आज का मानव ये मानव आधुनिक मानव जो है ना प्रकृति के हर तत्व पर प्रतियोगी वस्तु बिना मेरे सह विजय वरना प्राप्त कर ली है। परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना। वह साधना के पीछे भागते 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 वो अपनों को पहचान नहीं पाए। स्वयं को पहचान नानी रो नानी आ रो नरे और मरे तो साधनिया ही हो चुका है। कौन आधुनिक मनुष्य अपने भाईचार को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। वो समझा है प्रकृति पर संशोधन करके वो विजय प्राप्त किया तो वही उनका साधना है ऐसा समझ कर स्वयं को नहीं पहचाना और भाईचार को भी तन्नवरु तन्न सहोदरत्व बंधु बड़ग एल्लवन्न मरेतिद्दाने। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। वो एक मानव दूसरे मानव के साथ कौन सा बांध बांधना चाहिए या वो सीधे न कटबेकना और स्नेह का बांध बांधना चाहिए। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, जो घटी हुई घटना को भूलकर, जो आपस में दूरी है अंतरा इन ओबर इन बरसते जो वही मनुष्य इधे तना दूरी को मिटाए वो प्रेम का रिश्ता जोड़े। जिसमें ऐसा गुण होते हैं वही सच्चा मानव है। अवने निजवादा मनुष्य वही सच्चा मानव कहलाने के अधिकारी है। एक कवि का आशय है और उद्देश्य है। अच्छा अब हम आगे चलेंगे कविता के बारे में। कविता इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता में आने वाले नए शब्दार्थों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिनव वो नया या आधुनिक वो अभिनव मनुष्य वो आधुनिक मानव वैज्ञानिक युग में आधुनिक मानव का विश्लेषण। वाणी का अर्थ जल नीरो भाप वेपर बाष्पांति वाला आवि वेपर हुकुम आज्ञा
आपने व्यवधान रुखावट बाधा थड़े अड्डा सरित नदी सरितार्थ नदी सिंधु सागर आलोक प्रकाश बेड़कु जो आलोक प्रकाश ज्ञेय जानकारी त्रिवुद श्रेय यश तन श्रेयसु यशस्सु अथवा मंगल शुभ ए श्रेय। बच्चों इस कविता में आने वाले कुछ नए शब्द के अर्थों को अब तुम समझे हैं, तो चलिए आगे हम कविता को पढ़ेंगे। आप अपना पुस्तक खोलिए और ध्यान पूर्वक नजर रखकर शब्दों को देखिए। खोलिए अपने अपना पुस्तक देख लीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन है बंदे लड़के खरों में वारी विद्युत बाप हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं विवदान लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है या मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान खांपते जिसके खरों को देखकर परमाणु खांपते जिसके खरों को देखकर परमाणु या मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आभार व्योम से पाताल तक सब कुछ से है ज्ञेय पर ना यहां परिचय मनुष्य का या ना उसका श्रेय श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य हुण कीजिए श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रिय एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान थोड़ दे छो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। बच्चों आप पूरा कविता को सुनाएगा बहुत सुंदर है। इस कविता से हमें ऊंचा संदेश मिला है जो मानव सही मानव कैसा होना चाहिए कि साधना कहाँ है और उनकी सिद्धि कहाँ है ये सब कुछ इस कविता में दिया है। अब हम इस कविता के सारांश के बारे में बताते हैं। आज की दुनिया विचित्र और नवीन। अब हम कौन सी युग में हैं? वैज्ञानिक युग। सुबह से रात सोने तक
ಅರ್ಪಣೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹೊಸದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ತಾನು ತನ್ನ ಊರು ತನ್ನ ದೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇವಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೀಚಿದೆ ಓ ಧೌಡರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಏ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಫಿರ್ ಭೀ ಉಸ್ಮೇ ನವೀನ ಹಾಯ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹೊಸ ಹೊಸತನ ನವೀನತೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ इसलिए आज की दुनिया कैसे है आज की दुनिया नवीन और विचित्र है प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसी कवि कहते हैं प्रकृति पर सर्वत्र सर्वत्र सर सब कुछ हवा जल आकाश पाखाल सब कुछ पर उन्होंने विजयी ठा लिया है आसीन कर लिया है विजयी पुरुष आसीन आज की मानव ने उन्होंने आज का मानव ने प्रकृति हर तत्व पर हर विषय पर हर वस्तु पर उन्होंने संशोधन करके और नया नया आविष्कार किया है उस पर उन्होंने विजय पाई है। इसलिए बच्चों इस वाक्य को देखिए प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसी इसका तात्पर्य है आज की मानव ने जो उसमें नवीनता है इस वैज्ञानिक युग में मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पा लिया है ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದನೆ ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀರಿರ್ಬೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಹರ ವಸ್ತು ಕರ್ಮನೆ ವಿಜಯ ಪಾಲಿಯಾ ಹೈ ಹೈ ಬಂದೆ ನನಗೆ ಖರೋಮೆ ಖರ್ ಓ ಖರ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಕೈ नर मनुष्य मानव मानव के खरों में बंदे हैं कौन कौन सी वारी वारी जल विद्युत विद्युत चक्की भाप भाष्पा हावी ये सब मानव के बंदे खर में बंदे हैं अवना ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಅದರ ಹಮ್ ಇಸ್ ವಾರಿ ಕೋ ಭಾಂಧ ಭಾಂಧ ಕರ್ ಹಮ್ ರೋಕ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಬಹುದು ಝಲ್ ಕೋ ಭಾಂಧ ಭಾಂಧ ಕರ್ಕೆ ಹಮ್ ರೋಕ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಅಪನೆ ಖರ್ ಮೇ ಭಂಗ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ವೈಸೆ ವಿದ್ಯುತ್ जो अपने जलों से हवाओं से उन्होंने विद्युत को उत्पादन कर रहे हैं वो भी विद्युत भी मानव के खरों में बंधे हैं भाप वाष्प हावी ये वाष्प भी मानव के खरों में है उन्होंने जो अनेक मिशन वाष्प से ही अनेक यंत्र वाष्प निर्तारे पहले ये वाष्प की ट्रेन भी होते हैं उगी बंडी आगे उगी बंडी हो सकती इस तरह सब कुछ मानव के घर में बंधे हैं कौन कौन से मानव के घर में क्या क्या बंधे हैं वारी विद्युत भाप इतना ही नहीं मानव के हुक्म पर हुक्म आज्ञा मानव के आज्ञा से ही पवन हवा घाड़ी थाप तापा बिसी ये सब हवन था थाप ये मानव के हुक्म पर छठ था उतरता अवना आपने मेरे आघाड़ी बिसते निलते ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನಿಗಿದೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯು ಇದೆ ಇಸ್ಪ ಇಕ್ಕೆ ಉಪ
ऊपर और कथा को छत्ता उतरता है मानव के हुकुम पर। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान व्यवधान रुखावट परमाणु भी मानव के
छा गए हैं, मानव को देख गए, भगवान भी खा कर रहा है। आगे देखिए, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ये मानव है ना, ये सृष्टि ही उनका श्रृंगार किया है, ये सृष्टि ये उनका श्रृंगार से यावर के ये मानव का श्रृंगार किया है, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आधार, जो ज्ञान से श्रृंगार करित है, विज्ञान विशेष ज्ञान से विज्ञान से आलोक आलोक प्रकाश, जो ज्ञान प्रकाश का अर्थ ज्ञान ज्ञान का आभार भंडार में आभार भंडार एक मानव में ज्ञान विज्ञान आलोक इस सभी प्रकार का भंडार से वो श्रृंगारित है। मानव का श्रृंगार सृष्टि ने ही की है, सृष्टि ये मानव एला गुण तुम्हें श्रृंगारे ज्ञान विज्ञान प्रकाश ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾ ಮನುಜು ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ ಹೈ, ಕೇಸೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾ ಆಲೋಕ ಕಾ ಆಧಾರ, ಸಭಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೃಂಗರಿತ ಹೈ. ಮಾನವ ಕಾ ಸಾಧನ ಮಾನವ ಕೆ ಸಾಧನ ಯೋಗ ಸೆ ಪಾತಾಲ ತಕ್ ಸಬ್ ಕುಚಿಸೆ ಹೈ ಧ್ಯೇಯ ವ್ಯೋ ವ್ಯೋ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಸೆ ಪಾತಾಲ ತಕ್ ಆಕಾಶ ದಿಂದ ಪಾತಾಲ ತಕ್ ಸಬ್ ಕುಚಿಸೆ ಹೈ ಧ್ಯೇಯ ಧ್ಯೇಯ ಜನ್ಹಾರಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಬ್ ಕುಚ್ ಸೇ ಹೈ ಗೇ, ಸಬ್ ಕುಚ್ ಸೇ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಹೈ, ಯೋಗ ಸೇ ಪಾತಾಳ ತನ್ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ ಕುಚ್ ಜಾನೆ ಜಾನ್ತಾ ಹೈ ಓ ಮನೋ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಸ್ತೊಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಮಾನವ ನಾ ಯಾ ಪರಿಚಯ ಮನುಷ್ಯ ಯಾ ನಾಪುಕ ಶ್ರೇ, ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೋ ಮಾನವ ಪರಿಚಯ ಶ್ರೇ ಯಶಸ್ಸು उनका यशस्व नहीं है, जो उन्होंने अपने घरों में बंदे वाली विद्युत भाव मानव के हुक्म पर छटता उतरता है, हवा और था आकाश और पाताल तक उन्होंने जानकारी लिया है और लाल सकता है समुद्र को गिरी सरिता को एक समान आकाश में जा रहा है, या ये सब कुछ उनकी साधना है, लेकिन ये उनके नाम है साधना है, लेकिन वो परिचय बार होता नहीं, ये उनका श्रेयस नहीं यशस्व होगा। श्रेय उसका ಅವನ ಯಶಸ್ಸು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಪರ ಚೈತನ್ಯ ಉರುಕಿ ಜೀ, ಬುದ್ಧಿ ಪರ ಜೋ ಅಪನಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೈ, ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಮೇ ಮನೆ ಬಹುತ್ ಹುಷಿಯಾರ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ ಹೈ, ಜೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರ ಚೈತನ್ಯ ಉರುಕಿ ಜೀ, ಹೃದಯ ಶರೀರ ಚೈತನ್ಯರ ಜೋ ಸತ್ತ
वही मानव है। बुद्धि पर हृदय की जीत होती है, आगमन तक इसका शेष होता है। मानव न शेष हो यशस्वी आवागमन है। जो मानव का यशस्व जो जब होता है जो अपनी बुद्धि से दूसरों की हृदय को जीतता है वही उनका यशस्व है, का कल्याण है, का साधना है। श्रेय मानव की असीमित तो मानवों से प्रेम असीमित सीमित जो मानव में प्रीति प्रेम जो वो असीमित इसको सीमित नहीं होता वही श्रेष्ठ है मानव का। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान रुखावट एक नर से जो एक नर मानव दूसरे के बीच खादा रुखावट ऊपर उन्न नड़े वे वो गोड़े ऐनाते असूये ಒಂದು ದೇಶದ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಉಸ್ಕೋ ವ್ಯವಧಾನ ಥೋಡದೆ ಜೊ ಥೋಡನ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಥೋಡದೆ ಜೋ ಯಾರು ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಅಂತರವನ್ನ ಥೋಡದೆ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ರೋ ವಹಿ ಬಸ್ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ वही ज्ञानी उन्हें निजवाद ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही जो सच्चा मानव निजवाद मनुष्य निजवाद ज्ञानी निजवाद विद्वान यारप्पा अंद्रे एक नर से दूसरे मानव के बीच का व्यवधान जो जोड़ता है ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ನಡುವೆ ಜೋ ಪ್ರೇಮಕ ಇಷ್ಟ ಜೋಡಕ ಜೋ ಭಾನ್ ದುಃಖಾವಟ ಅದನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೋ ವಹಿ ಸಚ್ಚ ಮಾನವ ಹೈ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಖರಿ ಇಸ್ತರ ಸಚ್ಚ ಮಾನವ ನಿಜವಾದ ಮಾನವ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जो मानव अपनी बुद्धि और तर्क की नहीं जिनमें मानवीयता होता है वही सच्चा मानव है। मानव की सही पहचान निजवाद परिचय यादपा निजवाद मनुष्य अंदर बुद्धि व तर्क नहीं बुद्धि वाला तर्क वाला मानवीयता है। जिनमें जो मानवीय गुण होते हैं जो मानवीय गुण पहले मैंने कहा था ना परोपकार प्रेम बलिदान जो सभी स्नेह प्रेम इस सभी मानवीय गुण है जिनमें जो मानवीयता गुण होती है वही सच्चा मानव है। बच्चों अब तक इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस कविता में कवि के अनुसार वो सच्चा मानव कौन है जिनमें जो मानवीय गुण होते हैं जो परापकार प्रेम विश्वास ये भाईचारे ये सब कुछ जिनमें होते हैं वही सच्चा मानव है, वही उनकी सिद्धि है, वही विज्ञानी है, जो विद्वान है। कवि का आशय है वो मानवीय मानव होना चाहिए, सच्चा मानव, और इसकी साधना वही में है। नहीं तो वो प्रकृति पर जो साधना किया है वो उनकी साधना नहीं है। बच्चों अब तक इस कविता के बारे में आपने सुना है ना। इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मैं बताती हूँ, एक ही शब्द में उत्तर देना। एक शब्द, आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। विचित्र
नाम विचित्र और नवीन है। परमाणु किसे देखकर कहते हैं? परमाणु किसे देखकर? नर के खरों को देखकर। नर के खरों को देखकर वो परमाणु नर के खरों को देखकर खौफ रहे हैं। तीसरा, आधुनिक मनुष्य ने किस पर विजय पाई है? किस पर? हाँ अच्छा बच्चों, किस पर? प्रकृति के हर तत्व पर, प्रकृति पर। किस पर? प्रकृति के हर तत्व पर उन्होंने विजय पाई है। आज मनुष्य का ज्ञान कहाँ जा रहा है? कहाँ? गगन में या आकाश में? गगन में जा रहा है। और मनुष्य का ज्ञान आकाश में या गगन में जा रहा है ना? तो आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। परमाणु नर के करों को देखकर खांपते हैं। आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है ना? तो अब हम इस कविता से संबंधित कुछ वाक्यांशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थक शब्द। जो पर्याय या समानार्थक, दुनिया, दुनिया का अर्थ जग या विश्व, जग विश्व। अब नवीन का अर्थ है नया। नर का अर्थ है मानव, मनुष्य, मनुष्य। खर हार, खर का पर्यायवाची शब्द हार। दुनिया जग, नवीन नया, नर मानव, खर हार। तो आगे वो विलोम शब्द, तो विरुद्धात्मक शब्द, उल्टे शब्द ये भी कहते हैं, उसको लिख लें। आज, आज का विलोम कल, आज का विलोम क्या है? कल। चढ़ता उतरता, चढ़ता का विलोम उतरता। आज कल चढ़ता उतरता। ज्ञान, ज्ञान का विलोम अज्ञान, ज्ञान का विलोम अज्ञान। असीमित, सीमित, असीमित का विलोम सीमित। आज कल चढ़ता उतरता, ज्ञान अज्ञान, असीमित सीमित। है ना बच्चों? अब इस पाठ से संबंधित व्याकरण अंशों को देखे हैं, एक शब्द के अर्थ को भी आप समझ लिया है। तो अब तक इस पाठ से हमें किसा क्या सीख मिली है? इस पाठ से हमें सीख मिली है वो सच्चा मानव, जो मानवीय गुण होता है, जो भाईचार की भावना होती है और उसमें स्नेह के बांध बांधता है, और एक मनुष्य दूसरे मानव के साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ता है और दूरी को मिटाता है, वही सच्चा मानव है। यही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। लेकिन पर आज का मानव ने, आज के मानव ने अपने साधना के पीछे दौड़ते 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 प्रकृति के हर तत्व पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। प्रकृति का हर वस्तु पर अपने खरों में बंधे हैं, अपने हुक्म के अनुसार वो उतरता चढ़ता है। इस तरह आकाश से पाताल तक सब कुछ उन्होंने जानकारी पा ली है, लेकिन ये उनका साधना नहीं है, वही मानव नहीं है, वो केवल उनकी
बुद्धि बुद्धि की साधना है। वह मानव का सच्चा परिचय बुद्धि व तर्क नहीं मानवीयता है ना बच्चे। इसलिए हम पहले मानव होना चाहिए, अपने पन को पहचानना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए, वही सच्चा मानव है ना। तो अब इस पाठ से संबंधित कुछ पीपीटी को हम देखेंगे। अभिनव मनुष्य, इस कविता का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कवि का आशय है वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण यह हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली। हर तत्व पर उन्होंने प्रकृति के हर एक वस्तु पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिए हैं। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। मानव के हुकुम पर ही पवन का ताप चढ़ता उतरता है, उनके हुकुम पर ही वो उतरता चढ़ता है। मानव के हुकुम पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है, वो गगन में जा रहा है। आज का मानव वो व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे जानकारी है। पाताल से व्योम से पाताल तक सब कुछ उन्हें जानकारी है। लेकिन परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। मानव की सही पहचान बुद्धि व तर्क नहीं परंतु मानवीयता। बच्चों अब तक इस कविता से संबंधित कुछ पीपीटी को देख लिया। अब मैं आपके लिए कुछ प्रश्न देती हूँ, इसको घर में लिखकर लाना। इस कविता से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दो प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसको घर में लिखकर लाना। वो आगे का कार्य क्या है? गृह कार्य है, गृह कार्य। और पहला प्रश्न है, आधुनिक मानव के भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। उनकी भौतिक साधन वो प्रकृति पर किस तरह अपना अधिकार चला रहा है इसके बारे में लिखना। दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कवि के अनुसार निजवाद मनुष्य यादव आनंद बढ़के ये दो प्रश्नों का उत्तर वो अपने घर में लिखकर लाना और अपने नोट्स में इस कविता को लिखकर, कवि परिचय को लिखकर इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और व्याकरणांश हैं, इन सबको आप अभ्यास के सभी प्रश्नों को घर में लिख कर लाना। बच्चों अब तक इस कविता से संबंधित आपने कुछ विषय को ग्रहण किया है, इसलिए आपको सभी को मेरी ओर से